हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आइकॉनिक टेक्नो न्यूज़ का नया एपिसोड में स्वागत है। तो बिना कोई वक्त हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज़। न्यूज़ नंबर वन, तो पहला न्यूज़ आता है मोटो G9 की तरफ से। तो मोटो G9 जो कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाला है, इसका जो स्पेसिफिकेशन आया है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका डिस्प्ले जो है वो है 6.8 इंचेस का है, फुल HD+ डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा। और प्रोसेसर है 730G स्नैपड्रैगन का, बैटरी 5000 mAh और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्टर भी है। और साथ ही में हम लोग को क्वाड कैमरा देखने मिलेंगे, उसमें आप लोगों को 64MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंजल लेंस देखने मिलेंगे, 2MP का माइक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर मिलेंगे। सेल्फी कैमरे का बात की जाए तो 16MP का सेल्फी कैमरा है आप लोगों के लिए, और इसमें आप लोगों को एंड्रॉयड 10 ही देखने मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छा। और रैम है 4GB, स्टोरेज 128GB और प्राइस है लगभग 31,000 rupees। न्यूज़ नंबर टू, तो इस पर आता है इंडिया की एक कंपनी है जो कि हेडफोन्स बनाता है, वो है लूमीफोर्ड। वो इस वायरलेस हेडफोन की दुनिया में नया हेडफोन लेकर आया है जो कि U60 U50। तो इस हेडफोन का हम लोग स्पेसिफिकेशन और प्राइस देख लेते हैं। तो इस दोनों हेडफोन्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसका अगर हम लोग बात की जाए तो 20 Hz और से 20 kHz है, और सेंसिटिविटी की बात की जाए तो 105 dB का है। और इसमें आप लोगों को 3.5 यूनिवर्सल AUX पिन देखने मिलेंगे। इसमें आप लोगों को नॉइज कैंसिलेशन भी दिया गया है और हाई बेस ड्राइव फीचर्स भी दिया गया है। और पहला जो U60 है उसका जो वेट है वो है 13 ग्राम और जो U50 है उसका वेट है 12 ग्राम। और इस दोनों में ही आप लोगों को 1.2 मीटर का वायर देखने मिलेंगे। और प्राइस की बात की जाए तो U60 आ रहा है 1299 rupees में और U50 आ रहा है 999 rupees में। न्यूज़ नंबर थ्री, तो चलिए आप पबजी की बात की जाए। तो पबजी को लेके यहाँ पे क्या हो रहा है किसको नहीं पता है। कभी बोलता है कि ये लॉन्च करने वाला है, कभी बोलता है नहीं लॉन्च होगा, देर से लॉन्च होगा। इस बार आया है दिसंबर के 2 तारीख को ये फिर से लॉन्च होने वाला है, अब देखा जाए क्या होता है। तो लास्ट न्यूज़ बताने के पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को डेली टेक न्यूज़ जानना है तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर टेक न्यूज़ लेकर आता हूँ, यहाँ पे तो मैं डेली टेक न्यूज़ लेकर नहीं आ पाता हूँ। तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। न्यूज़ नंबर फोर, अब नोकिया की तरफ से आते हैं। नोकिया बहुत जल्दी इंडिया में उसका 9 लैपटॉप लॉन्च करने वाला है जो कि हमारे पास आया है। इस 9 लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो है, पहला का है NK i5 10U L82S, दूसरा का है NK i5 10UL85S, तीसरा का है NK i5 10UL165S, चौथा का है NK i5 10UL810S, पांचवा का है NK i5 10UL16IOS, छः का है NK i5 310UL4IS, सात का है NK i3 10UL42S, आठ का है NK i3 10UL82S, नौ का है NK i3 10UL85S। तो ये था इस 9 लैपटॉप का मॉडल नंबर जो कि BIS स्मार्टिफिकेशन लाभ कर चुका है। और इस लैपटॉप के मॉडल नंबर के शुरू में ही आपको NK देखने मिलेंगे जो कि नोकिया को दर्शाता है, और i5 और i3 जो लिखा है वो है इस लैपटॉप में जो चिपसेट लगाया गया है उसका नंबर, और इसमें आप लोगों को 10 देखने मिलेंगे। तो इस 10 का मतलब लगता है विंडोज 10 ही इसमें दिया गया है। और इस लिस्ट में जो i5 है वो है, 5 लैपटॉप है ऐसे है जिसमें i5 लगाए गए हैं और 4 लैपटॉप में i4 लगाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।